चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बताया चले कि भोपाल मध्य प्रदेश से आ रही है। पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव ने गौशाला प्रगति की समीक्षा के दौरान ही आपको बताते चले कहा, 2 साल में एक भी गौशाला यहां पर गौवंश बेसहारा नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मछुआ कल्याण के साथ ही मत्स्य विकास मंत्री लखन सिंह यादव ने 2 दिवसीय राजगढ़ प्रवास के दौरान ही कुंडलीय डैम का भ्रमण किया है। राजगढ़ कलेक्टर सभाकक्ष में निर्धारण कौशल्य के साथ ही पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में हमारा गोवंश गौशालों में ही रखने के लिए प्रतिबंध है। प्रदेश में 10 लाख आवारा पशु है और 2 साल में गौशालों में भेज दिया जाएगा। पहले पशुओं के चारा भूसे के लिए 3 रुपए 3200 रुपए क्विंटल मिलते थे और आपको बताया चले कि अब राशि 20 रुपए प्रति पशु हो गई है। ऊर्जा मंत्री की मांग के साथ ही आपको बताया चले यहां पर ही मंचलपुर जीरापुर के साथ ही खिलचेपुर जैसे अन्य लोग यहां पर आपको केंद्र खोलने की घोषणा की है। प्राइम लगे न्यूज आने के लिए आप देख सकते हैं भोपाल से मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी गाय जो गौशाला में आ रही है और उनकी मौत हो रही है तो उस पर हमारे डॉक्टर्स भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग किए हुए जितना हम लोग बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। सर आज का जो प्रवास है आपका उसमें और आगे क्या है? मतलब अभी हम लोग कुंडलिया जा रहे हैं, यहाँ से कुंडलिया डैम पे विजिट है मेरा और वहाँ हमारे विभाग के कर्मचारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और कल उधर मोहनपुरा पे भी हमारा मोहनपुरा जो डैम है उस पर भी हम लोग जा रहे हैं विजिट करने। सर वहीं आगामी साल में पशुपालन के लिए कैसा क्या सरकार की नीतियां हैं और कैसे क्या मतलब क्या नीतियां रहेंगी जिससे मतलब कृषि विभाग को और कृषक को काफ़ी लाभ हो सके? देखिए मध्य प्रदेश में हमारे लिए जो हमारे वचन पत्र में था सबसे अहम एक मुद्दा था कि मध्य प्रदेश में जो 10 लाख निराश्रित गोवंश है पहली प्राथमिकता हमारी है उसका संधारण और संवर्धन करना। हम लोग निश्चित तौर पर उस ओर अग्रसर है। लगातार 1 साल में हमने मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला बना के दिए, उनका संधारण अभी सब हम लोग कर रहे हैं। माननीय हमारे मंत्री जी ने यहाँ 4-5 गौशालाओं का लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ 30 गौशालाएँ दी हैं, निश्चित तौर पर जनवरी लास्ट तक 300 कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड फेज में हमने 3000 और गौशालाएँ दी हैं मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है हमारा टारगेट है कि आने वाले 1.5 और 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी निराश्रित गौवंश रोड पे उस खेतों में घूमते हुए आपको नहीं मिलेगा। सर 1900 पशुधन संजीवनी में 1962 7 महीने से पेमेंट नहीं आया कहीं पर पूरे मध्य प्रदेश में बंद है, पेमेंट किसी का नहीं आ रहा है 7 महीने से। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में खजाने को लूट के चली गई है। हम तो माननीय कमलनाथ जी जैसा कुशल नेतृत्व वो सरकार को संचालित कर रहे हैं, उनकी जन हम लोग जनरेट नहीं कर रहे हैं। ये लगता है जल्द से जल्द बंद तो नहीं हुई है, थोड़ा सा एक आध जगह दिक्कत आ गई है कहीं गाड़ी वाड़ी में, बाकी तो संचालित पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है और उसको हम लोग और प्रभावी ढंग से उसको संचालित कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए 3-4 हमको मांग रखी है। राजगढ़ हमेशा जो मुझे बताया गया और आज मेरा उसी वजह से इस क्षेत्र में मेरा प्रवास है। नए साल के प्रथम दूसरे दिन ही जो है आपने मुझे बताया यहाँ घोड़ों की एक आपने मांग रखी है, यहाँ गाय के बारे में जो बताया गया कि राजगढ़ जिला गाय के मामले में बहुत ये गाय का इलाका माना जाता है, गाय सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पाली जाती है। निश्चित तौर पर यहाँ का जैसा आपने मुझे बताया यहाँ का बकरा बॉम्बे में जब ले जाते हैं तो सेपरेट मार्केट लगती है, सेपरेट उनकी बोली लगती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ बेहतर से वैसे हमारे दोनों विधायक माननीय मंत्री जी के हिसाब से वो हमें जो भी कहेंगे उनके हिसाब से हम पूरा यहाँ जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा मैं अपने विभाग के लिए आपके आदेश के हिसाब से करूँगा। माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से और कमलनाथ जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, सबसे ज़्यादा अनुदान अगर राजगढ़ जिले में किसी गौशाला को मिल रहा है तो जीरापुर की गौशाला को मिल रहा है। और पहले ये 3 रुपये 32 पैसे के मान से मिलता था और 3 रुपये 32 पैसे के पर डे पर पशु, उसको बढ़ा के माननीय मंत्री जी ने 20 रुपये पर डे पर पशु किया है। मतलब आप मान लो लगभग 10 गुनी वृद्धि अनुदान प्राप्त गौशालाओं के संधारण के लिए माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। कल माननीय मंत्री जी यहाँ की जीरापुर की गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे आगामी समय में क्या क्या डेवलपमेंट होना है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
मैंने अश्व। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।